एक फिट बॉडी, शेप और मसल्स कौन नहीं चाहता। जिम में एक्सरसाइज करके आप भी रॉक जैसी बॉडी बना सकते हैं, बशर्ते आप सही एक्सरसाइज करें और सही चीजें खाएं। एक्सरसाइज के साथ साथ प्रोटीन रिच डाइट आपके मसल्स को रिपेयर करने और बनाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में एक से एक तिगड़मे लगाई जाती हैं सबसे अद्भुत और परफेक्ट बॉडी बनाने में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे बॉडी बिल्डिंग का काला सच। मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल पर। पहले आपको ये समझना होगा कि मैं जानबूझकर आपको जिम जाने और एक्सरसाइज करने के फायदे नहीं बल्कि इस दुनिया के छिपे हुए राज से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। आपने इंस्टाग्राम पर कई बॉडी बिल्डर्स को अपनी एक से एक धांसू फोटो डालते देखा होगा। पहले तो ये क्रेज सिर्फ मर्दों तक सीमित था, लेकिन अब महिलाएं भी फिटनेस की दौड़ में तेज भाग रही हैं। लेकिन अगर आप इन फिटनेस मॉडल्स को देखकर ये सोचते हैं कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए ये पूरा दिन जिम ही करते होंगे या मार्केट में किसी करिश्माई प्रोटीन डाइट के बूते इन्होंने ऐसी अविश्वसनीय बॉडी शेप पाई है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका वहम है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये प्रोफेशनल मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स ऐसी क्या जादू की पुड़िया खाते हैं अपनी बॉडी को फिट और टोन्ड रखने के लिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है स्टेरॉइड्स। इस इंटरव्यू क्लिप को गौर से देखिए। You tried them and they worked. I tried them and god damn. Oh man, they worked. I had fucking super veiny ass was so fucking hard. I tried to put the needle in my ass and fucking bent. The fucking needle bent. My ass was that fucking hard. And they'll hear that and that will be the end of it. And those kids will rush out and they'll fucking want to try to get them some of this because they will not hear that it made me fucking insane. They won't hear that part. They will not hear that I want to murder fucking people at a stoplight for looking in my fucking car too long. They won't hear that part. They won't hear that at the time I was married and my wife that I was married to was 5 fucking minutes late getting home. They won't hear that I was pacing up and down the fucking driveway waiting for her to get to that house. स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा काला सच है जिसे वैसे तो गलत और इल्लीगल बताया जाता है, लेकिन किसी भी बड़े जिम में ये एनाबॉलिक्स आसानी से मिल जाते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टेरॉइड्स होते क्या हैं और इसको बॉडी बिल्डिंग की डार्क साइड से क्यों जोड़ा जा रहा है। बता दें कि स्टेरॉइड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक वर्जन है जो शारीरिक ताकत बढ़ाने और मसल पावर बढ़ाने में लाभकारी है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जिन्हें एनाबॉलिक्स भी कहते हैं, आपको बहुत सारे रोगों की चपेट में ला सकते हैं। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि युवाओं में मसल पावर, सेक्स पावर, ताकत और वजन बढ़ाने की चाहत सबसे अधिक है, जिसे देखते हुए अधिकतर दवा कंपनियों ने स्टेरॉइड का उत्पादन शुरू कर दिया है जो बेहद ही महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। फिटनेस से अल्टीमेट फिटनेस का क्रेज भी युवाओं को स्टेरॉइड्स की तरफ आकर्षित करता है। इन फिटनेस मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स के लिए इनकी बॉडी की फोटो ही सब कुछ है। ये स्पोर्ट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस आकी जाती है। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बिना इन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग के इस्तेमाल के आज बॉडी बिल्डिंग कुछ है भी नहीं। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, हद से ज्यादा डाइटिंग और टफ एक्सरसाइजेस बॉडी में कई तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती हैं। बॉडी बाहर से तो एकदम फिट लगती है, लेकिन अंदर से कई तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स में बॉडी में सूजन आती है और वजन भी बढ़ता है। लंबे समय तक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स की शिकायत भी हो सकती है। नापुंसक होने के कई केसेस भी सामने आए हैं। स्टेरॉइड ओवरयूज से यूजर्स गुस्से की शिकायत भी करते हैं। दिखाए गए इंटरव्यू में आदमी वो किस्सा बताता है जब उसने अपनी बीवी को सिर्फ 5 मिनट लेट होने पर मार डाला। ये आदमी अपने इस गुस्से के लिए स्टेरॉइड अब्यूज को ब्लेम करता है। बॉडी बिल्डर्स अपने जॉइंट्स और लिगामेंट्स पर बेहिसाब स्ट्रेस डालते हैं, जिसकी वजह से इनको बैक पेन और शोल्डर पेन जैसी प्रॉब्लम्स रहती ही है। और तो और,
प्रेजेंटेशन से पहले कई दिन बॉडी बिल्डर्स पानी तक नहीं पीते ताकि उनकी बॉडी की कटिंग अच्छे से दिखे। ये बॉडी को पूरी तरह से डिहाइड्रेट कर देते हैं जो बेहद नुकसानदायक है। ऐसी कई और मुश्किलों से गुजरते हैं हमारे पिक्चर परफेक्ट दिखने वाले फिटनेस मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स। लेकिन उन लोगों के लिए एक सुझाव है जिन्हें अपनी बॉडी को किसी स्पेशल शेप में रखने के लिए पैसे नहीं मिलते। एक्सरसाइज और खाने की सही आदतें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा है। मैं मानता हूँ कि बाकी छोटे हिस्से भी हैं जिनके बारे में ज्यादा सोचकर अपना टाइम और दिमाग वेस्ट ना करें। यह पैशन का मामला है या एक दिमागी प्रॉब्लम, यह तो आप ही तय कीजिए। हमारा तो काम था आपको बॉडी बिल्डिंग की छिपी हुई सच्चाई से रूबरू करवाना। अगर हम इसमें जरा भी कामयाब हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द मिस्टिका लैंड, शेयर करें हमारी वीडियोस और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।